अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स गाइडर में। बीजी फर्स्ट सेमेस्टर बैच 2022 अंडर एनईपी 2020 जिसका एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत से डाउट्स है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। क्या आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर से ही स्टार्ट होगा या पोस्टपोन होगा? मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से कन्फर्म किया, मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा एंड पेपर पैटर्न भी बताऊँगा। ये सब जानने के लिए आपने मेरा ये वाला वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपने अभी तक मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ और जो भी आपका स्टडी मटीरियल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होंगे वो मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। जैसे कि आप सबको पता है कि आपकी एडवांसड डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है, उस एडवांसड डेट शीट के हिसाब से आपका एग्जाम 15 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होगा, मगर कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन होगा, तो इसलिए मैंने कंफर्मेशन ले ली कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन विंग से। विदाउट एनी कंफर्मेशन मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करता। तो जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर के हैं बैच 2022 के, आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर से ही स्टार्ट होगा, ये बात दिमाग में डाल के रखना। जो यहाँ पर आप डेट शीट देख सकते हो, जो आपकी यहाँ पर एडवांस डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है, उसी डेट शीट के हिसाब से आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन नहीं होगा, ये बात आप जो है दिमाग में डाल के रखना। अपना टाइम वेस्ट मत करो। डेट शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर आप डेट शीट का स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो। ये जो डेट शीट है इसी हिसाब से आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। इस डेट शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हो और अपना सब्जेक्ट देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट भी आप उठा सकते हो इस डेट शीट का। तो यही आपकी डेट शीट रहने वाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर पैटर्न एंड मॉडल पेपर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका 4 क्रेडिट का है, पहले उसके लिए देखो। मैक्सिमम मार्क्स 100, मिनिमम मार्क्स 40। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर 16 मार्क्स इसमें से आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो उसके बाद सेक्शन बी यहाँ पर आप देख सकते हो मीडियम टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे 40 मार्क्स के। तो यहाँ पर आप इस हिसाब से देख सकते हो, यहाँ पर इसमें आर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप उसके बाद देख सकते हो सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 44 मार्क्स इसमें आ जाएंगे। इसमें यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे सेक्शन सी में। अब यहाँ पर आपके जो यहाँ पर 3 क्रेडिट के सब्जेक्ट्स है उसके लिए यहाँ पर आप देखो मैक्सिमम मार्क्स 75 पे, मिनिमम मार्क्स 30। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 12 मार्क्स का आ जाएगा एंड सेक्शन बी उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस 30 मार्क्स का आ जाएगा। इसमें भी यहां पर जो है आर होगा, यहां पर आप देख सकते हो। तो उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 33 मार्क्स का, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। अब जो यहाँ पर 2 क्रेडिट के सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो यहाँ पर आप देखो उसके लिए पेपर पैटर्न मैक्सिमम मार्क्स 50, मिनिमम मार्क्स 20। तो पहले यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा सेक्शन ए 8 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन बी मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स का, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 उसका भी आर होगा, 10 उसका आर होगा, 11 उसका आर होगा, 12 उसका आर होगा, इस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 22 मार्क्स का आ जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन आ जाएंगे 4 यूनिट से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये था आपका यहाँ पर पेपर पैटर्न, तो अच्छे तरीके से देखना। तो इस मॉडल पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो एंड डेट शीट की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, आप इजीली पास हो सकोगे। फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा स्टूडेंट्स को बैकलॉग आता है क्योंकि उनको पहले पता ही नहीं होता। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा वो वीडियो बहुत जल्द आने की। तो अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा यहाँ पर एडवांस डेट शीट के हिसाब से। आप जो है अपना टाइम वेस्ट मत करो, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो बाकी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। अब इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुँचा दो ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।